तो मेरा नाम है कुशाल कुमार, ये टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट 685,000 रुपीस कार का एक्स शोरूम प्राइस है। तो भाई इतने प्राइस में आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार मिल जाती है और बेसिक फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे टाटा पंच के एडवेंचर वेरिएंट में। जैसे आपको 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी, तो बेसिक फीचर्स तो आपको सारे मिलने वाले। आफ्टर मार्केट वर्क कराने की आपको कोई जरूरत नहीं है अगर आप बेसिक फीचर्स चाहते हैं तो। और क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं वो आज हम सब कुछ वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। LED DRS तो आपको उसमें नहीं मिलेंगे, उसमें आपको बल्ब दिया जाएगा और इंडिकेटर में भी आपको मिल जाएगा बल्ब। वो नीचे की साइड हो गए हेलोजन हेडलैम्प्स और पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है इस कार की ग्रिल। बीच में हो गया टाटा का लोगो, साइड में ट्राई एरो डिजाइन और नीचे साइड आपको ग्रे कलर की स्ट्रिप दी जाएगी। फोग लैंप आपको उस वाले वेरियंट में नहीं मिलते हैं और नीचे साइड बंपर पर आपको ट्राई एरो डिजाइन मिल जाएगा। और फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की। 15 इंच की आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स, जो कि देखने में थोड़े बहुत अलॉय व्हील्स की तरह लगते हैं जब आप इनको दूर से देखेंगे तो। 185x70 R15 इनकी प्रोफाइल है। इनसे ऊपर की साइड मिल जाएगी आपको क्लैडिंग। और ये रहा इस कार का ORBM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाला है ORBM इस कार का। इंडिकेटर भी ORBM पर दिया जाएगा। डोर हैंडल हो गया बॉडी कलर का, नीचे साइड होगी आपकी क्लैडिंग। फ्यूल लिड मिल जाएगा आपको उसका को ड्राइवर साइड। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की 37 लीटर की है। और ये रही इस कार की बैक प्रोफाइल। ऊपर की साइड आपको इंडिकेटेड स्पॉयलर मिल जाता है, उसी पर हाई माउंट स्टॉप लैंप। वोकल फॉर लोकल का हो गया स्टिकर। रेयर बाइफर डिफोगर बोस्टर जैसे फीचर्स आपको उसमें नहीं दिए जाएंगे। और ये रही इसकी टेल लाइट। हैलोजन बल्ब मिल जाएगा आपको उसकी टेल लाइट में और इंडिकेटर में भी आपको बल्ब दिया जाएगा। टाटा का लोगो हो गया। पंच की बेजिंग स्पेस देकर लिखा गया है। यहाँ पर हो गया आपके रिफ्लेक्टर्स, ट्राई एरो डिजाइन साइड में है। और पीछे साइड आपको दो पार्किंग सेंसर्स दिए जाएंगे। तो भाई ओवरऑल किस तरह का था इस कार का एक्सटीरियर लुक, कितने फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस कार के एक्सटीरियर में। जैसे आपने देखा आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाते हैं विद व्हील कवर्स। फ्रंट प्रोफाइल देखिए आपने इस कार की, जो कि देखने बहुत बढ़िया लगती है। प्राइस तो मैंने आपको बताया दिया था इस कार का, जो कि एक्स शोरूम प्राइस था 685,000 रुपीज का। आपको ऑन रोड प्राइस जानना आपकी सिटी में क्या है इस कार का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा इस कार का। तो इस कार में आपको 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर रिविट्रॉन, जो कि प्रोड्यूस करता है 84 bhp की पावर, 113 nm का टोर्क। 15.23 सेकंड्स में ये 0-100 हो जाएगी। 187 mm की इस कार की करंट क्लियरेंस और क्या क्या डायमेंशन इस कार की वो आपकी स्क्रीन पर शो रही होंगी। तो ये ओवरऑल कुछ तरह का था इस कार का एक्सटीरियर लुक। जैसे आपने देखा एक्सटीरियर में आपको काफी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं, बेसिक फीचर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, कोई भी आपको कमी नहीं लगेगी। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर के मिल जाएंगे, पियानो ब्लैक फिनिश का मिल जाएगा आपको ORBM, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाला है। बस आपको उसमें LED DRS नहीं मिलती है और हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। कुछ ऐसी कमियां हैं, पर लेकिन आप इससे अपर वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको LED DRS मिल जाएंगी। एकम्प्लिस वेरिएंट लेते हैं डीजल पैक के साथ। तो चलिए फिर मैं आपको उस कार का बूट दिखा देता हूं, फिर कितना स्पेस आपको उस कार के बूट में दिया जाएगा। पाश ट्रे मिल जाएगी, 366 लीटर का बूट स्पेस है इस कार में। और लगेज लैंप दिया जाएगा। और ये रहा इस कार का स्पेयर व्हील, टूल किट भी दी जाएगी आपको। तो चलिए फिर लेकर चलता हूँ मैं आपको इस कार के इंटीरियर में। डुअल कलर में मिल जाएगा आपको इंटीरियर इस कार का। और ये रहा ड्राइवर साइड डोर, पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा आपको डोर ओपनर। चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ORBM जिससे कंट्रोल मिल जाएंगे। वाटर बोतल के लिए है स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, स्पीकर, टोटल 4 स्पीकर दिए गए हैं इस कार में। और बाहर से देखने में कुछ इस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर तो आपको उसमें नहीं मिलता है, सिर्फ रिक्लाइन करने का दिया जाएगा। और ये रहा बैक डोर, डोर ओपन हो गया पियानो ब्लैक फिनिश का। पावर विंडो, वाटर बोतल के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, स्पीकर। तो वैसे आप जैसे कुछ तरह का मिल जाएगा आपको इंटीरियर कार का। थोड़ा सा आपको ग्रीनिश कलर मिलने वाला है इसके डैशबोर्ड में। और एक फीचर्स को हम देख लेते हैं इस कार में आपको क्या क्या ऑफर करा जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स मिल जाएंगे, टाटा का लोगो हो गया, यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर बीच में मिल जाएगा आपको, छोटे साइज की MID। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आपको उसमें नहीं मिलेगा, एनालॉग मिल जाएगा, बीच में छोटे साइज की MID है। कुछ आपको अलर्ट लाइट्स मिल जाती है इसमें, क्या माइलेज दी आपकी कार वो आपको सब कुछ इसमें दिखता रहेगा इसकी MID में। और ये रहा इस कार का सेंटर कंसोल, 2D का मिल जाएगा आपको उस कार में। इंफोटेनमेंट सिस्टम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, तो रेफन मिल जाएगा आपको उसमें। और यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, हजार्ड लाइट का बटन हो गया और इंफोटेनमेंट सिस्टम के हो गए यहाँ पर कंट्रोल्स। मैनुअल AC मिल जाएगी इस कार में आपको। और यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाएगा, OX पोर्ट हो गया, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, थोड़ा सा स्पेस फिर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ इस तरह का गियर नोब है।
यहाँ पर आपको पियानो प्ले फ्री दी जाएगी, थोड़ा सा स्पेस भी रहोगे यहाँ पर, कप होल्डर्स और कुछ तरह का हैंड ब्रेक है इस कार का। और ये रहा ड्राइवर साइड का एसी वेंट, यहाँ पर आपको ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए एक बटन दिया जाएगा, इको हो गया, सिटी हो गया, दो मोड दिए जाएंगे आपको इसमें, दो ड्राइव मोड्स। ये रहा इस कार का सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ टिकट होल्डर दिया जाएगा, कैबिन लैंप हैलोजन में। और ये रहा इस कार का IRBM, मैनुअली डीएनए एडजस्टमेंट मिल जाएगी आपको। और ये रहा को ड्राइवर साइड का, इसमें आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको ग्रैब हैंडल। और ये रहा इस कार का को ड्राइवर साइड डोर, वाटर बोटल के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने स्पेस, स्पीकर, पावर विंडो। और ये रहा को ड्राइवर साइड का एसी वेंट। और मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ, कितना स्पेस मिल जाएगा। तो वैसे आप देखते हैं कितना स्पेस मिल जाता है आपको ग्लव बॉक्स में इस कार के। और इसके डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपको ट्राई एरो डिजाइन मिल जाएगा। और ये रही फ्रंट सीट इस कार की, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको फ्रंट में तो, पर लेकिन बैक में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। जब मैं रेट शीट पर जाऊंगा तो दिखा दूंगा किस तरह के हैं हेडरेस्ट। कुछ तरह की आपको सीट्स मिल जाती हैं, फैब्रिक सीट्स रहने वाली हैं, कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है इन पर। तो वही फ्रंट सीट पर बैठकर तो कुछ तरह का आपको मिल जाता है, जो भी कुछ मिल जाता है वो तो आपको दिखाई दिया। मैं आपको रेयर सीट पर लेके चलता हूँ इस कार के, ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो हिसाब देते कितना लेग रूम मिल जाएगा आपको। लेग रूम और हेड रूम में आपको कोई भी कमी नहीं लगने वाली है इस कार में। और रेयर सीट पर बैठकर कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। फ्रंट में से मैं आपको बता ही रहा था एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में आपको कुछ तरह के फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाएंगे। ग्रैब हैंडल होगी आपका यहाँ पर, और नीचे साइड आपको पूरी फ्लैट सरफेस सी मिलने वाली है, कुछ इतने साइज का आपको बम्प मिलेगा सिर्फ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, कार्ड वार्ड रख सकते हैं आप यहाँ पर। और ये रहा बैक डोर इसका, डोर ओपनर मिल जाएगा आपको पियानो ब्लैक फिनिश में, पावर विंडो, वाटर बोटल स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने स्पेस और स्पीकर। तो वही ओवरऑल कुछ तरह का था इंटीरियर कार का। तो देखो इतने फीचर्स मिल जाते हैं आपको एडवेंचर वेरिएंट में। जैसे आपने देखा चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रिमोट सेंटर लॉकिंग, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के मिल जाएंगे, ORBM पियानो ब्लैक फिनिश का। तो भाई 6,85,000 रुपीज के एक्सशोरूम प्राइस पर काफी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं इस कार में। ये इन्हें के फीचर्स ही मिल जाते हैं आपको, इतने प्राइस में आपको सेफ्टी भी बढ़िया मिल जाएगी। तो इतने प्राइस में आपको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग कार भी मिल जाती है। इस कार ने ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करी थी। और आपको सेफ्टी के नाम पर इस कार में फ्रंट 2 एयरबैग्स, ABS विद EVD, चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। तो वह एडवेंचर वेरिएंट में कुछ इतने फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको सारे दिखा दिए। अगर आपको ये फीचर्स कम लगते हैं तो आप इसके अकम्पलिश वेरिएंट को देख सकते हैं, जिसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, कीलेस एंट्री, पुशस्टार्ट स्टॉप बटन, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर, स्टाइलिश स्टील व्हील्स, फ्रंट फोग लैंप जैसे फीचर्स आपको अकम्पलिश वेरिएंट में मिल जाते हैं। पर लेकिन आपको अकम्पलिश वेरिएंट में भी LED DRS नहीं मिलती है। अगर आप डेजल पैक लेंगे या कम्प्लीट वेरिएंट में, तभी आपको LED DRS मिलेंगे और LEDs मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखनी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी और कार का बुक राउंड देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।